Hello, what's up guys? My name is Vinod Bhado Thapa and today in this video we will flip the state of in React.js. जी हाँ guys, आपके mind में आ रहा होगा भाई ये क्या चीज है flip the state of, तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है. सबसे पहले हम PPT में चलते हैं, you know, आपको मैं definition बताता हूँ, एक live practical पूरा example करके दिखाता हूँ एंड मैं आपको बताता हूँ कि flip the state of का क्या मतलब होता है. तो वो जो एक एनिमेशन है ना अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले लिफ्टिंग स्टेट अप का क्या मतलब, ये एक पैटर्न है इन रिएक्ट. क्या है गाइस, इट्स अ पैटर्न इन रिएक्ट वे यू मूव द स्टेट फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट टू अ कॉमन पेरेंट कंपोनेंट सो दैट मल्टीपल चाइल्ड कंपोनेंट कैन शेयर एंड सिंक्रोनाइज दिस स्टेट. समझ रहे हो, कोई तो एक ऐसा स्टेट होगा जो आपने एक चाइल्ड कंपोनेंट में बनाई, बाद में ये पता चलता है कि वो जो कंपोनेंट है दूसरे चाइल्ड को भी चाहिए, तो दूसरा चाइल्ड सेम कंपोनेंट क्यों बनाए, तब वहां पे अब उस चाइल्ड कंपोनेंट को हम ये वाला जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसकी वैल्यू कैसे पास करें, डायरेक्टली पास तो नहीं कर सकते. तो उस केस में हम क्या करते हैं, वो जो चाइल्ड कंपोनेंट जिसने उस स्टेट वेरिएबल को बनाया था उसको हम लिफ्ट द स्टेट अप, मतलब चाइल्ड कंपोनेंट में जो स्टेट हमने बनाई थी उसको हम पेरेंट को पास कर देते हैं. एंड वंस वो पेरेंट को मिल गया देन पेरेंट एज अ प्रॉप्स बाकी जितने भी चिल्ड्रन है सबको पास कर ही देंगे. तो ये कॉन्सेप्ट आपका कहलाता है लिफ्टिंग स्टेट अप. ठीक है, डोंट वरी, अभी मैं एनिमेशन करके भी बताता हूँ, प्रैक्टिकल पूरा कोड लिख के भी बताऊंगा. ठीक है, नाउ दिस एंश्योर्स दैट द स्टेट इज मैनेज्ड एट अ हायर लेवल इन कंपोनेंट हायरार्की अलाउइंग डेटा टू फॉलो डाउन एज अ प्रॉप्स एंड एक्शन सच एज इवेंट टू फॉलो अप. यूज केस बहुत ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल सी, व्हेन यू हैव टू और मोर कंपोनेंट्स दैट नीड टू शेयर द सेम स्टेट यू शुड लिफ्ट द स्टेट अप टू देयर नियरेस्ट कॉमन एंसेस्टर. This allows this component to stay in sync and ensure that the state is managed in a single place. Perfect, right? I know आपने से 80% को already समझ चुका है, but फिर भी मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना. Animation के साथ फिर मैं आपको practical दिखाता हूँ. We have this parent component, right? इस parent component के अंदर तीन children हैं. We have input component, other child component and a display component. For example, इस app component के अंदर इन्होंने एक state variable create की, you know, with the help of use state and जिसका नाम था input value. तो अब let's say ये जो input value इन्होंने create की, display component का काम था कि ये जो input value मुझे अपने component में basically अपने जो function उस पर दिखाना है. तो क्या होगा, अब display component को app component में जो state variable थी उसकी value चाहिए ताकि वो वहां पे use कर सके. समझ रहे हो, like simple यहाँ पे वही लिखा है. Now input value जो है, ये जो एक state है वो अब इसको चाहिए, तो ऐप कंपोनेंट बेसिकली पेरेंट कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट को अब वो वैल्यू कैसे पास करेगा, बेसिकली वो स्टेट की वैल्यू कैसे पास करेगा, तो वो पास करेगा विद द हेल्प ऑफ डेटा बाय अ प्रॉप्स. मतलब उस स्टेट को वो एज अ डेटा बाय अ प्रॉप्स पास कर देगा. सिंपल, एंड हम ऑलरेडी प्रॉप्स पढ़ चुके, दैट इज नथिंग बट योर प्रॉपर्टी. सिंपल राइट. अब उसी तरीके से लेट्स से ये जो इनपुट कंपोनेंट है उसको भी वो वैल्यू चाहिए, कौन सी वैल्यू, जो उनके पेरेंट के पास है. तो अगेन एक पेरेंट के पास जो डेटा है अगर चाइल्ड को पास करना रहा तो फिर से वही फंडा, पास द डेटा बाय अ प्रॉप्स. सिंपल एंड रियली सॉरी, मुझे जस्ट रियलाइज हुआ कि आप लोगों को ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे डिस्प्ले कंपोनेंट, बट यहाँ पे कुछ भी वैसा नहीं है. तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गया कि अगर पेरेंट के पास आपका कोई भी डेटा है एंड उनके चिल्ड्रन को अगर कोई भी डेटा चाहिए देन वी कैन पास दैट डेटा बाय अ प्रॉप्स. सिंपल, ये हम हजार बार कर चुके हैं इससे पहले. तो गाइस यहाँ पे ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये दिखाने के लिए कि इस पर्टिकुलर स्लाइड में कहीं पे भी ऐसा कोई प्रॉब्लम था ही नहीं कि जहां पे लिफ्टिंग द स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट आए. सिंपल था, पेरेंट के पास डेटा है, चिल्ड्रन को चाहिए पास कर दो विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स, बिकॉज इन रिएक्ट डेटा फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कोई टेंशन नहीं था. लेकिन प्रॉब्लम कब होगा, प्रॉब्लम जब बॉटम टू टॉप डेटा फ्लो करना होगा, क्योंकि वो तो इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते. लेकिन ऑलराइट, मैं बोल गया था, अगर सपोज चाइल्ड कंपोनेंट को भी चाहिए अदर चाइल्ड कंपोनेंट, उनको भी हम पास कर देंगे बाय प्रॉप्स. अब ध्यान से देख लीजिएगा ये लिफ्टिंग द स्टेट अप इन रिएक्ट कब काम आता है, ध्यान से देखना. लेट्स से अगेन वी हैव दिस ऐप कंपोनेंट, दिस इज अवर पेरेंट कंपोनेंट. इसके अंदर इसके अपने टोटल तीन चिल्ड्रन थे, दैट इज इनपुट कंपोनेंट, अदर चाइल्ड कंपोनेंट एंड देन डिस्प्ले कंपोनेंट. अब हुआ क्या, थोड़ी देर पहले ऐप कंपोनेंट ने जो स्टेट बनाई थी, नाउ दिस टाइम ये जो पर्टिकुलर इनपुट कंपोनेंट आपको दिख रहा है उसने एक न्यू स्टेट वैल्यू बनाई जिसका नाम था इनपुट वैल्यू. उसने यूज स्टेट यूज की और इनपुट वैल्यू करके एक स्टेट वेरिएबल बना लिया. तो इस चाइल्ड ने इस वैल्यू को बनाई,
लेकिन हमें बाद में ये पता चला इसका काम खाली क्रिएट करना था, डिस्प्ले कंपोनेंट तो इधर है जिसका काम डिस्प्ले करना था, उस स्टेट की वैल्यू अब डिस्प्ले कंपोनेंट को चाहिए ताकि वहां पे इसकी जो वैल्यू है वो दिखा सके। बट अब यहाँ पे एक चीज मुझे ये बताओ, पेरेंट टू चाइल्ड अगर डेटा पास करना हो तो बहुत इजीली कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स, राइट। बट वहीं चाइल्ड, एक चाइल्ड का डेटा दूसरे चाइल्ड को क्या हम पास कर सकते हैं? नहीं गाइस, हम नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? लाइक क्या करोगे आप यहाँ पे जिससे ये वाली डेटा इस चाइल्ड को मिल जाए? वो तरीके बहुत सारे हैं, राइट। लेकिन फिलहाल हम ये, ऐसा तो कोई तरीका है नहीं एक चाइल्ड से दूसरे चाइल्ड को डेटा पास करना। अब आप मुझे ये बताओ अब हम क्या करें, राइट। लेकिन आई होप अब आपके दिमाग में एक आइडिया आ चुका है, क्यों ना ये जो इनपुट कंपोनेंट में ये जो स्टेट वैल्यू क्रिएट की गई थी उसको अगर हम किसी तरीके से लिफ्ट द स्टेट अप टू द पेरेंट कंपोनेंट कर दे तो, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे अब आपका लिफ्टिंग द स्टेट अप वाला कॉन्सेप्ट काम आता है, जहां पे चाइल्ड के पास अगर कोई स्टेट वेरिएबल थी तो वो जो कंप्लीट यूज स्टेट वेरिएबल की मदद से हम जो बनाते हैं ना उसको अब हम क्या करेंगे गाइस, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दैट स्टेट वेरिएबल या दैट स्टेट इन चाइल्ड कंपोनेंट, उसको हम लिफ्ट कर देंगे एक स्टेट अप, एंड जो कॉमन पेरेंट है उनको हम बोलेंगे कि आप प्लीज इस स्टेट को क्रिएट कीजिएगा। एक बार ऐप के पास वो डेटा आ गया, अब डिस्प्ले कंपोनेंट को तो बहुत इजीली वो शेयर कर ही सकता है बाय या प्रॉप्स। आई होप अब आपको पता चल गया, इसलिए मैंने जानबूझ के पहले आपको वो एनिमेशन दिखाया जहां पे कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, जहां पे एक सिंपल पेरेंट अपने चाइल्ड को डेटा पास कर रहा था विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। प्रॉब्लम तब आती जब चाइल्ड ने कोई ऐसी स्टेट वेरिएबल बना ली जो दूसरे चाइल्ड को चाहिए, तब वो हम पास कर ही नहीं सकते। तो उस केस में भी वो जो स्टेट है वो हम बोलते हैं पेरेंट कंपोनेंट को कि आप इसको प्लीज क्रिएट कर दीजिए, एंड वो जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं लिफ्टिंग द स्टेट अप। एंड या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये जो टर्म है ना रिएक्ट में बहुत ज्यादा यूज होता है, एंड इंटरव्यू वाले भी आपसे पूछ सकते हैं। आई होप अब आपको समझ गया होगा, डोंट वरी, पूरा यहाँ पे चीज भी है। अब इसी को मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बताता हूँ, ठीक है, मैं अब आपको इसको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो हम एक काम करते हैं ना, कंपोनेंट जो है फिलहाल हुक्स के अंदर, तो चलो हुक्स के अंदर नहीं बाहर ही चलते हैं, लिफ्टिंग द स्टेट अप है ना, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से लिफ्ट स्टेट अप डॉट जे एस एक्स, ठीक है, ऑलराइट परफेक्ट, ये हो गया। तो गाइस यहाँ पे जल्दी से लेट्स गो विद एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, एक काम करता हूँ इसमें मैं, हालांकि नाम तो आपको मालूम है, कुछ भी लिख सकता था, लिफ्टिंग स्टेट इक्वल टू फैट एरो फंक्शन है ना, एंड यहाँ पे लेट्स रिटर्न, एंड मैं दो कंपोनेंट रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है, एंड दैट इज आवर क्या नाम रखा है मैंने, इनपुट कंपोनेंट टाइपिंग को, इनपुट कंपोनेंट एंड दूसरा वी हैव अ डिस्प्ले, ठीक है, एंड वी हैव अ कंपोनेंट, ठीक है, डिस्प्ले कंपोनेंट। तो अब ये जो इनपुट कंपोनेंट है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या बोला था, ये क्रिएट कर रहा है एक इनपुट एलिमेंट, लेट्स क्रिएट वन स्टेट, ठीक है, सो कॉन्स्ट एंड दैट इज इनपुट वैल्यू सेट, वी हैव दिस इनपुट वैल्यू एंड दैट विल बी इक्वल टू योर यूज स्टेट, एंड फिलहाल इसकी वैल्यू मैं जीरो कर दे रहा हूँ, ठीक है, एंड इनपुट वैल्यू को जीरो क्यों करना, ठीक है, क्योंकि कुछ भी बंदा कुछ भी लिख सकता है वहां पे, एक नंबर भी लिख सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ, है ना, रिटर्न, एंड व्हाट आई विल डू इज मैं सिंपल एक इनपुट वैल्यू ले रहा हूँ, इनपुट नहीं लिख सकता, इस तरीके से इनपुट लिख रहा हूँ, जहाँ पे वी हैव अ टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर में एंटर योर नेम, कुछ भी आप लिख दो, एंड मैं एज इट इज लिख के छोड़ रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसकी जो वैल्यू है वो मैं पास कर रहा हूँ इनपुट वैल्यू, एंड डोंट वरी, जो हमारा अब नेक्स्ट जो है ना फाइनली टू डू एप्लीकेशन हम क्रिएट करेंगे वहां पे मैं आपको पूरा बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल्ड एलिमेंट या कंट्रोल कंपोनेंट वर्सेस अनकंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड एलिमेंट, ठीक है। फिलहाल द मोमेंट ऑफ वैल्यू पास कर दे रहे हो, ठीक है, ध्यान से देखना क्या होता है, लेकिन उससे पहले जल्दी से भी क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, एंड इसको फिलहाल मैं, तो आप देख सकते हो कि मैंने इसको भी क्रिएट कर ली फटाक से। अब ये जो लिव द स्टेट अप है, कॉपी करो, ऐप पे आओ, इसको हटाओ, पेस्ट करो, एंड इसको भी हटाओ, इसकी हमें कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो अब से जो हमें नीड नहीं है मैं हटा रहा हूँ, एंड डोंट वरी, गिटहब में तो मैं अपडेट कर रहा हूँ, सोर्स कोड का लिंक आपको शेयर कर दूंगा। ऑलराइट, तो कंट्रोल सेव करता हूँ,
ठीक है, मैं अब यहां पे चलता हूं, सॉरी नॉट ओवर हियर, ओवर हियर। तो आप देख सकते हो एंटर योर नेम, ठीक है। एंड अगर मैं कुछ भी लिखता हूं तो पहली बात तो मैं लिख ही नहीं सकता, क्योंकि अब ये आपका एक कंट्रोल एलिमेंट बन चुका है। एंड बता रहा है यू प्रोवाइडेड अ वैल्यू प्रॉप्स टू अ फॉर्म फील्ड विदाउट एन ऑन चेंज हैंडलर। ये आपका कंट्रोल है जो कि रिएक्ट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो नो मैटर व्हाट, अब आप वैल्यू तो अगर दे रहे हो तो ये वैल्यू पे आप कौन से वैल्यू को आप लाइक स्टोर करना चाहते हो, तो उसको लिए भी तो आपको ऑन चेंज यूज करना पड़ता है। डोंट वरी, आगे हम देखेंगे टू डू वैल्यू में मैं पूरा बताऊंगा। फिलहाल अभी आप इतना रहने दीजिए। ऑन चेंज में हम क्या करेंगे, एक फैट एरो, इधर ही कॉल बैक फंक्शन, एक इवेंट ऑब्जेक्ट है। एंड जब हम इवेंट हैंडलर्स पढ़ रहे थे तब मैंने आपको डिफरेंट तरीके बताए थे, हमने ऑन क्लिक देखा था, बट अब ये ऑन चेंज है जहां पे आपका ये जो सेट इनपुट वैल्यू है इसमें मैं ये ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू पास कर रहा हूं। या दिस इज इट, सिंपल, मैंने इतना कर दिया। अब द मोमेंट में ये कर देता हूं, नाउ ये जो फॉर्म है आपका ये कंट्रोल एलिमेंट बन चुका है, क्योंकि अब रिएक्ट इसको कंट्रोल कर रही है, ठीक है। अब एटलीस्ट अब मैं यहां पे कुछ भी लिख सकता हूं, ठीक है। एंड ये जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं आपको कहां देखने मिलेगा, इनसाइड आउट कंपोनेंट्स, जो कि इनपुट कंपोनेंट के अंदर है। ध्यान से देखिए, मैं लिखता हूं थापा टेक्निकल, ठीक है। आप देख सकते हो यहां पे आपको वैल्यू दिख रहा है टेक्निकल सब्सक्राइब, ठीक है। एंड फॉर सम रीजन आज टाइपिंग एकदम वेस्ट हो गई है मेरी, बट कोई नहीं, बट आपको पता चल गया। अब क्या है कि मैं यहाँ पे जो भी लिख रहा हूँ ना, दी करेंट इनपुट वैल्यूज, मुझे वो यहाँ पे भी चाहिए। मतलब यहाँ पे जो भी लिख रहा हूँ मुझे वो यहाँ पे दिखाना है, वो तो मैं कभी कर ही नहीं सकता। तो आप समझ रहे हो गाइस, यहाँ पे भी सेम वही हुआ था ना कि इनपुट कंपोनेंट ने उस स्टेट वेरिएबल को क्रिएट की, बट जो ये डिस्प्ले कंपोनेंट है उसको उसकी वैल्यू चाहिए थी, लेकिन ये हम कर ही नहीं सकते। चाइल्ड टू चाइल्ड हम डेटा पास नहीं कर सकते। हालांकि आगे तरीके है, यूज कॉन्टेक्स्ट रिडक्स एंड ऑल, वो सब स्टेट मैनेजमेंट है, बट इन जनरल हम नॉर्मली तो नहीं कर सकते इस तरीके से। तो उसी को ही टैकल करने के लिए वी हैव दिस कॉन्सेप्ट कॉल लिफ्टिंग द स्टेट अप, जहां पे वो जो पर्टिकुलर स्टेट वेरिएबल हमने जो क्रिएट की इनसाइड आउट चाइल्ड कंपोनेंट, उसको अब हम क्रिएट करेंगे हमारे मेन पेरेंट कंपोनेंट में। बेसिकली इसकी जो स्टेट वेरिएबल है उसको अब हम ऊपर ले जा रहे हैं हमारे पेरेंट कंपोनेंट में, जो एक कॉमन पेरेंट कंपोनेंट है, ताकि वो डेटा हम पास कर सके, राइट। तो मैं यहाँ पे चलता हूं, तो गाइस अब सिंपल है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको मैं यहाँ पे क्रिएट ना करके मैं मेरे मेन जो पेरेंट कंपोनेंट है वहां पे मैं क्रिएट कर रहा हूं। बेसिकली मैंने, अब ये समझ लीजिए कि मैंने चाइल्ड कंपोनेंट का जो स्टेट वेरिएबल था उसको लिफ्ट कर दिया ऊपर, उसको मैंने ऊपर पहुंचा दिया यूजिंग लिफ्ट। तो कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, ये चाइल्ड कंपोनेंट में जो भी आपने क्रिएट किया, अगर वो किसी और चाइल्ड कंपोनेंट को भी लगता है, हम डायरेक्टली ऐसे भाई भाई या सिबलिंग को पास नहीं कर सकते, हम सभी को वो डेटा पास कर सके। डेट्स वाई मैंने इसका जो स्टेट है उसको लिफ्ट किया ऊपर, एंड जो कॉमन पेरेंट कंपोनेंट था वहां पे मैंने उसको पास कर दिया। अब ऑब्वियसली यहाँ पे इनपुट वैल्यू है, ये जो इनपुट का ये जो अपडेटेड फंक्शन है वो दोनों तो यहाँ पे यूज हो गया ही होगा। अब इनको कैसे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, सिंपल है। पेरेंट कंपोनेंट के पास अगर वो स्टेट वेरिएबल आ जाता है, देन अब वो अपने चाइल्ड कंपोनेंट को बहुत इजीली डेटा पास कर सकते विद द हेल्प ऑफ बाय अ प्रॉप्स, आई मीन प्रॉप्स के जरिए। अब आपको वो भी क्लियर हो जाएगा, आपको तब से लग रहा होगा भाई ये क्या है ये प्रॉप्स प्रॉप्स। तो सिंपल है, प्रॉप्स मतलब आपका एक प्रॉपर्टी, एक एट्रीब्यूट। लेट्स से वी हैव दिस इनपुट वैल्यू विल बी इक्वल टू योर इनपुट वैल्यू, एंड यहाँ पे आप ये जो पास कर रहे हो सेम ये लिख दीजिए, सेट इनपुट वैल्यू विल बी इक्वल टू योर सेट इनपुट वैल्यू, सिंपल। एंड साथ ही साथ आपका ये जो डिस्प्ले कंपोनेंट है इसको भी इस इनपुट वैल्यू की नीड है, तो उसको भी डेटा आप कैसे पास कर दीजिएगा यूजिंग प्रॉप्स। तो ये इसको मैं कैसे पास करूंगा यूजिंग प्रॉप्स, तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज इट। तो ये था आपका लिफ्ट द स्टेट अप, एंड वो जो डेटा डिफरेंट चाइल्ड कंपोनेंट को चाहिए था और वो हम पास कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स, तो वो कुछ आपका ऐसा दिखता है। अब सिंपल है, यहाँ पे सबसे पहले ये जो इनपुट वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे आया, देखो इनपुट कंपोनेंट को मैं डायरेक्टली यहीं पर ही डिस्ट्रक्चर कर दे रहा हूँ, इनपुट वैल्यू सेट इनपुट वैल्यू, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेट हो गया। एंड यहाँ पे भी मैं डायरेक्टली इनपुट वैल्यू को गेट कर रहा हूँ, एंड ये जो वैल्यू है मैं यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दे रहा हूँ, सिंपल मेरा काम हो गया। सो नाउ ये जो परफेक्ट एग्जाम्पल था आपका, जहां पे आपने देखा कि लिफ्टिंग द स्टेट अप क्या होता है इन रिएक्ट, ठीक है। आप ध्यान से देखो, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ,
क्या हो गया ये, द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल लिफ्ट स्टेट अप डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट. ओ माई गॉड, बट यहाँ तो एक्सपोर्ट है एंड यहाँ पे भी अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे तो हमने गेट किया ही हुआ है, कोई प्रॉब्लम तो ऐसी थी नहीं. सॉरी, ऐप के अंदर जाना है एंड लिफ्टिंग स्टेट, लिफ्ट स्टेट अप, लिफ्टिंग स्टेट, सब तो सही है और यह परफेक्ट. फालतू का ऐसे एरर था, टाइम वेस्ट कर दिया, बट कोई नहीं. अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं चल रहा हूँ. अब कंपोनेंट्स पे भी मैं लेके चलता हूँ. इफ यू गाइस, अगर आपको ये कंपोनेंट्स कहाँ से मुझे मिला इसका बारे में अगर आपको जाना हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मुझे, मैं तो ये अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है ये. ठीक है, अभी यहाँ पे जाएंगे तो आपको स्टेट मिलेगा, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टेट तो नहीं मिलेगा, बट हाँ आपको ये देखो बाय प्रॉप्स जो मैं बार बार बोल रहा था ना, यही है आपका प्रॉप्स है. देखो प्रॉप्स में मुझे ये दोनों के दोनों वैल्यू आ गई. ठीक है, सेम डिस्प्ले में आपको सिर्फ एक ही प्रॉप्स मिलेगा एंड दैट इज इनपुट वैल्यू. मतलब कितना ऑसम है ना, मतलब इतने प्यार से समझना. अब यहाँ पे देखो ना, थापा एंड बूम गाइस, यही तो मुझे चाहिए था. देखो ऑन द स्पॉट जो 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 मैं लिख रहा हूँ, लाइक है ना, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो जो जो मैं लिख रहा हूँ मुझे यहाँ पे आ रहा है. एंड अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे आने का रीजन क्या था एंड कैसे मैं इसको यहाँ पे लिख पा रहा हूँ या दिखा पा रहा हूँ, वो सब के पीछे हमने कौन से टिप्स की, लिफ्ट द स्टेट अप. सो या गाइस, दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही. आई होप वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा. गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन एंड बताना चाहूंगा. आज का वीडियो सच में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था एंड आई होप ये जो पार्ट है आपको बहुत अच्छे से समझा होगा. एंड ये जो पार्ट है प्लीज आप इसको एक बार पॉज करके खुद से पढ़ लीजिए. सिंपल सा है जो मैंने आपको ऑलरेडी आपको बताया, फॉर अपडेटिंग स्टेट ऑफ अस चिल्ड्रेन फ्रॉम पेरेंट यू कैन यूज कॉन्सेप्ट फॉर लिफ्टिंग द स्टेट ऑफ. एंड यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि सबसे पहले जो पेरेंट कंपोनेंट था, इट विल होल्ड द स्टेट इनपुट वैल्यू एंड द स्टेट हैंडलर सेट इनपुट वैल्यू. फिर आपका जो इनपुट कंपोनेंट था, याद है, रिसीव इनपुट वैल्यू एंड द सेट इनपुट वैल्यू एज अ प्रॉप, जो मैंने आपको ऑलरेडी करके बताया. इट अपडेट्स दिस स्टेट बाय अ सेट इनपुट वैल्यू व्हेन द इनपुट चेंजेस. एंड फाइनली वी हैव दिस डिस्प्ले वाली वैल्यू, रिसीव्स इनपुट वैल्यू एज अ प्रॉप्स एंड डिस्प्ले द करेंट इनपुट वैल्यू. राइट, सो या दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही. होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा एंड ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि इंटरव्यू वाले पूछ सकते हैं व्हाट इज दिस लिफ्ट दिस स्टेट ऑफ. देखने में देखा जाए तो एक प्रकार से तो आपको नॉर्मल लगा होगा, पेरेंट के पास डेटा प्रॉप्स के थ्रू भेज दो, बट रियलिटी में वो डेटा पहले चाइल्ड के पास था, लिफ्ट दिस स्टेट ऑफ करके हमने उसको ऊपर भेजा हुआ था. ये भी बिहाइंड द सीन, ये समझ रहे हो इस तरीके से ये. बट जो भी हो, आई होप पूरा आपका डाउट क्लियर हो गया होगा. प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कीजिएगा, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा. एंड इफ यू वांट आप मेरे प्लेलिस्ट को टैग कर सकते हो इंस्टाग्राम में, मतलब ऐसा लिखे कि बहुत मुझे पसंद आ रहा है आपका सीरीज, कीप मेकिंग सच ऑसम वीडियोस, या आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दीजिए, मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी उसको गाइस शेयर कर दूंगा. तो मतलब इससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे कि रिएक्ट वर्जन 19 यहाँ पे फ्री में मैं अपलोड कर रहा हूँ, इतना बेस्ट. ठीक है, एंड आज का ये जो एनिमेशन था पीपीटी में शेयर कर दूंगा, आई नो आपको भी मजा आएगा क्योंकि बहुत इजी होता है इसे समझना है. राइट, सो गाइस, नेक्स्ट टारगेट इज 1 मिलियन सब्सक्राइबर, प्लीज हेल्प कर दीजिए. सब्सक्राइब ही करना है, क्लिक ही करना है एंड राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें. तो गाइस मिलता हूं मैं आपको कल की वीडियो में. टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर.